हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे एक हेल्दी इजी टू मेक डिटॉक्स सैलेड। इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा पानी लिया है, जिसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है। ये एक लार्ज टमेटो है, अगर छोटे हो तो आप दो भी ले सकते हैं। छोटा टुकड़ा जिंजर का, जिसे मैंने रफली चॉप करके ऐड कर दिया है, और 3-4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, जिसे मैंने अगेन चॉप करके ऐड कर दिया है। अब लो हीट पे इसे थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, गैस बंद करके हमें इसे ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा हो, आप अपनी वेजिटेबल्स भी चॉप कर सकते हैं। तो मैंने अभी स्किन पील कर दी है, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। तो ये हमारे सूप का बेस होगा, और अगर आप ये बेस यूज़ नहीं करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हम कुक करने वाले हैं अभी, वो एक तरह का आपका सैलेड बन जाएगा। तो ये ब्लेंड हो गया है, इसे साइड में रख देते हैं और वेजिटेबल्स को कुक करते हैं। थोड़े पानी में मैंने फ्रेंच बीन्स आधा कप, कैरेट आधा कप, और मशरूम ऐड कर दिए हैं। इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। बहुत थोड़ा पकने के बाद मैं सेकेंड लॉट डालूंगी वेजिटेबल्स का, जो है कैबेज, कैप्सिकम एंड ब्रोकली। तो ये सब्जियां थोड़ा कम टाइम लेती हैं पकने में। देखेंगे जब जब वेजिटेबल्स कुक होती हैं, उनका कलर जो है वो और इंटेंसिफाई हो जाता है, डार्क हो जाता है, स्पेशली ग्रीन एंड रेड वेजिटेबल्स में। हमने मेथी भी ऐड कर दी है, दैट इज बिकॉज जो क्लोरोफिल होता है और बढ़ जाता है इसके अंदर। तो कुछ कॉम्पोनेंट्स कम होते हैं तो कुछ बढ़ भी जाते हैं, और ये साइन है उसका अच्छा कलर आने का। हमने सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दिया है, ब्लैक पेपर और ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर। अब हम इसे कुक करेंगे। एक बॉईल आने के बाद थोड़ा सा सिमर करना है हमें इसे, ज्यादा नहीं पकाना है। वेजिटेबल्स को भी हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, लेकिन उन्हें ओवर कुक नहीं करना है। वेजिटेबल्स के अंदर थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। कोरिएंडर हमने फ्रेश ऐड कर दिया है, और आवर सैलेड इज ऑलमोस्ट रेडी। एक बार ढक देंगे और कुछ मिनट तक और इसे पकाएंगे, एंड देन यू कैन सर्व इट वार्म। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, या आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं आप इजीली कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स के साथ। कैलोरी में बहुत लो है, सिर्फ 83 कैलोरीज हैं आपको इस बोल भर के सूप में, जो वेजिटेबल से भरा हुआ है, विटामिन एंड मिनरल से लोडेड है। सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, डू ट्राई दिस स्पेशली ऑन अ डिटॉक्स डे। इसकी टेक्स्ट रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं जल्द ही अपडेट कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।